हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी मैं छत में आ गई हूँ। धूप हो रही है अभी, अब गर्म कपड़े पहन लिए, अब ठंडा होने लग गया मौसम। तो आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी मैं थोड़ा बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, एक हफ्ता जो है पूरा एडमिट रहे। तो अभी जो है थोड़ा सी बेटर है तबीयत। छत में आई तो इधर पूरा फैल रखा था, छत बहुत ख़राब हो रखी थी। इधर ये देखिए सारे गमले सब ऐसे हो रहे हैं, मेरा मन नहीं मानता, इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा करके इधर सफाई करना शुरू करती हूँ गमले वगैरह में। तो आपको दिखाती हूँ मेरे छत की क्या हालत हो रखी है। ये सब गंदा वगैरह हो रखा है, इधर सारे सूख रखे हैं, कुछ सूख रखे हैं। ये देखिए इसमें मिर्ची भी आ रखी है, मिर्ची आ रखी है और इसमें मिर्ची आ रखी है, देखो मिर्ची तोड़ गई थी, इसमें भी मिर्ची आ रखी है। अभी इसमें थोड़ा पूरा सूखने लग गए हैं, इसलिए ये देखिए मिर्ची हो गई है इतनी। और भी पौधे हैं जिनमें भी मिर्ची आ रखी है। और यहाँ पे सारा ये पौधे वगैरह सब, फूल वगैरह सब कोई सूख गए हैं तो बेकार हो गए हैं, तो इनको हटा दूँगी ताकि नीचे फूल वाले पौधे अच्छे से सही से हो पाए। और ये सारी मिट्टी वगैरह इधर पूरा फैल रखा है, पूरा गंदा हो रखा है, इनको गमलों में डालती हूँ। ऐसे हो रखे हैं सारे, इसमें टमाटर हो रखे हैं, देखिए ये टमाटर हो रखे हैं, ये टमाटर लाल हो गया है। एक तो इसको ये टमाटर भी निकाल देती हूँ आज, ये निकाल दिया टमाटर। ये दो हरे रखे हैं, ये दो हरे टमाटर रखे हैं, ये बैगन के तो बिल्कुल बेकार हो गए, तो अब ये बैगन के निकाल देंगे। ये देखिए ये भी एक मिर्ची का पौधा है, देखो इसमें कितनी ये मिर्ची हो रखी है, मिर्ची हो रखी है इसमें भी, ये भी मिर्ची निकाल रहा है। दूर दूर बो रखे हैं मैंने, इधर ये अलग अलग रखे हैं, खूब दिखा रहे हैं। ये है मिर्ची, ये हो गई मिर्ची, ये हो रही है मिर्ची, ये मिर्ची हो रखी है, मिर्ची बहुत सारी मिर्ची हो रखी है, इधर भी हो रखी है, ये भी हो रखी है। ये तो ये मिर्ची रखी हैं और भी हैं मिर्ची, ये सब निकाल देती हूँ। फिर इधर सारा और यहाँ पे दिखाती हूँ, फूल हो रखे हैं पूरा, गुलाब के फूल हो रखे, सब झड़ रहे हैं, थोड़ा इनको सही करना हो रहा, तो पूरा गंदा हो रखा पूरा। अब ये पूरा रिपेयरिंग करके दिखाऊंगी आपको, चलो आप मेरी वीडियो में बने रहिए, ये सब ठीक करके साफ करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये गमला था, ये पूरा इसमें गमला क्या, ये पूरा एक डब्बा था उसमें सारे, बहुत बड़ा डब्बा था, उसमें ये सब मिट्टी डाल के मैंने ये बोए हुए थे, इसमें ये फूल के थे, सदाबहार के थे, मिर्ची के थे, बैंगन वगैरह, ये मिर्ची वगैरह थे, तो मैंने हटा दिया यहाँ से। अब इसमें मैं फूल वगैरह और चीज़ देखते हैं क्या क्या बोते हैं, गमलों में डालूंगी मिट्टी, थोड़ा देर सुखाने के लिए रख दिया। और ये सब ये गमले मैंने थोड़ा साफ़ कर दिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, पूरा तो एक ही दिन में नहीं होता है। और ये देखो ये मेरा गमला कितना अच्छा लग रहा है, ये इसको भी साफ़ कर दिया, इसमें जो है ये हो गया, ये किस चीज़ का है, आम का, छोटा सा आम का निकल आया था, ये गुठली से ही लगाया था और इतना बड़ा हो गया है। और एक ही है, एक ही
दो आम के हैं, कभी पूजा वगैरह होती है तो आम के पत्ते इनमें से रख दूंगी। अब होने लग गए आम के पत्ते से, पहले नहीं होते थे, टहनियाँ हो गई, देखिए कितना सुंदर है। और ये गमले खाली कर दिए हैं, ये मैंने गमला फिर से एक गमला ले लिया, इसमें मिट्टी डाल दी है, ये मैंने खाद है इसमें से खाद इसमें मिक्स कर दी है यहाँ पे, और ये मिट्टी सुखा दी थी तो ये थोड़ा सी तो सूख गई है, तो इसको मैंने खाद डाल के इसमें डाल, ये फिर से जो हल्दी वो रखी थी मेरी उनमें से मैंने दो ऐसे गांठ निकाल दिए जिनमें से इधर उधर से ये निकले हैं, इनको डाल देती हूँ इसमें फिर से। मैंने इसी तरह पहले भी हल्दी ये हल्दी बोई थी तो अभी ये दोबारा बो देती हूँ, और जब होएगा तो फिर ये आपको दिखाऊंगी कि कैसी कितनी हुई करके। मैंने पिछले बार जो बोई थी तो इस बार आपको इससे पहले की वीडियो में आपके साथ शेयर करिए कि कितनी हल्दी निकली थी मेरी। और ये मैंने फिर से बो दिया, बहुत टाइम लगता है इनको तो ये आराम आराम से अपने आप उगेगी। इसमें मिट्टी भर दिया खाद डाल के, अब इसको पानी वानी डाल के, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें, सर्दियों के दिन है तो। अब फ्रेंड्स इस वाले पौधे को मैं बड़ा सा, ये गमला छोटा हो गया तो इसको मैं इस वाले बड़े वाले गमले में डाल दे रही हूँ, इसी को निकाल के इसमें डाल के फिर ये थोड़ा सी मिट्टी में ये खाद है मिला के इसमें डाल देती हूँ। इसको पहले इसको उल्टा कर दूँगी, ये निकल गया, ये निकल गया, इसको थोड़ा सी साइड से निकाल दे रही हूँ, इसमें जो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का निकाल देती हूँ, जड़ें थोड़ा कम हो जाएंगी तो अब इसको ये गमले में डाल दे रही हूँ, डाल दूंगी, एक खाद डाल देती हूँ मिट्टी में, अब इसको इसमें भर दूंगी, पत्थर रख दिया और इसको भर देती हूँ इसमें। पहले तो इसको रख देती हूँ गमले में ऐसे, अब ये बड़ा फैलेगा तो और ज़्यादा अच्छे इसमें फूल वगैरह आएंगे और ज़्यादा फैलेगा, ये बड़ा होएगा, देखते हैं कितना होता है। बड़े गमले में करा, छोटे गमले में इतना फैल गया है, ये सब काम करते करते मेरा पूरा दिन का पता नहीं चलता है, तो ये मेरे घर के काम है। आज मेरे ऊपर ही जो है अभी 2-3 घंटे ऊपर ही हो गए, थोड़ा धूप में भी बैठ गए, धूप भी सेक लिया और ये काम भी हो गया। मन नहीं लगता है कोई, ये काम भी एक काम होता ही है, इसके लिए भी टाइम निकालना ही पड़ता है। ये मेरा हो गया। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये गार्डनिंग कैसी लगती है, मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए, थोड़ा कमेंट्स कीजिए कि हमें ऐसे थोड़ा करते रहना चाहिए, नहीं करते रहना चाहिए। पौधे वगैरह तो अच्छे ही लगते हैं हर किसी को, पेड़ पौधे। ये बस हो गया, सब मेरे को मना करते हैं पौधे ये इस पर लगी रहती है करके, पर मेरा मेरे को अच्छा लगता है तो मैं लगी रहती हूँ, इस पर लग जाती हूँ। ये भर दिया, मैंने भर दिया गमला और ये हो गया बड़ा, कितना अच्छा लग रहा है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं। इसमें पानी डाल दूँगी, इन गमलों को भी थोड़ा सी सही करती हूँ, ये सब सूख होकर गए हैं, ये देखो कितने एक में 2-2, 3-3 ये आ गए हैं, जो इस हटा दूँगी इधर, इसको दूसरे में लगा दूँगी, ये फिर खूब बड़ा नहीं होने दे रहा इसको, बहुत सारे आ गए। इसमें देखो ये वाले, ये दूसरा आ गया, ये अपराजिता को अलग कर दूंगी और ये वाला फूल अलग कर दूंगी, इसमें सफ़ेद फूल आते हैं। ये सब तुलसी आ गई है, ये सब खराब हो गया इधर, और इसके देखो ये बेल पत्ते के ये पीले पीले हो गए हैं, तो इसको भी थोड़ा सही कर दूंगी, इनको हटा देती हूँ ये सब, और जिनमें खाद डालना है खाद डाल के,
आपको दिखाती हूँ मैंने आज कितने गमले रिपेयरिंग किए। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ ये सारे यहाँ पे ऐसे मिट्टी रख रखे, दूसरे वाले गमले ये जो सूखी मिट्टी थी इसमें खाद डाल के गमले तैयार कर दिए कुछ, और ये बाकी गमलों से निकाल के इधर भी और उधर भी सुखा दिया सारी मिट्टी को और यहाँ से हटा दिए गमले ये पूरे। अभी बहुत सारे करने हैं, बहुत गमले हैं, एक ही दिन में नहीं हो पाता है, इसमें से भी निकाल दिए मैंने कुछ कुछ, ये सही हैं, इसमें मिर्ची आ रही है इसलिए मैंने नहीं निकाला, इनमें मिर्ची आ रही है इसलिए नहीं निकाला इनको। और ये तुलसी का पौधा है, बाकी इसमें थोड़ा धनिया वगैरह बो दूँगी, और ये गमले भी खाली कर दिए थोड़ा, और ये वाले अभी करने हैं सब, और जो मैंने कर दिए हैं यहाँ पे देखा है गुलाब के भी थोड़ा ठीक करने हो रहे हैं पूरा, और अभी तो गुलाब आ रखे हैं, ये लाल गुलाब है। यहाँ पे दिखाती हूँ कौन, ये सब इतना कूड़ा निकाला मैंने सब आज यहाँ कोने पे इकट्ठा कर दिया सारे, ये सूख जाएगा तो फिर इसी को थोड़ा जला के फिर वो राख जैसी हो जाती है तो उसको गमलों में ही डाल देती हूँ मैं, तो ये सारे ये सब हो गया है। और ये गमले मैंने अभी तैयार किए सब हटा के, इधर ये सदाबहार है वाइट वाला है तो इसको ऊपर तोड़ दिया, अभी फिर से अंकुर हो जाएंगे, और ये अलग से मैंने ये कर दिए। ये आम का पौधा है और ये भी आम का है, ये देखिए ये वाला, ये सब इतने इतने गमले मैंने कर दिए यहाँ पे आज, और खाद डाल दिया, गमले तैयार कर दिए अभी इसमें, यस अब थोड़ा सही से होएंगे, नहीं तो इनको बिल्कुल पूरा घास उग गई थी इनमें, और ये सब गमले करने हैं मैंने। ओके गाइस फ्रेंड्स, अब मैं थक गई हूँ, अब इतना ही हो पाया है, तो फ्रेंड्स अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगती है, तो लगता है आपको अच्छी नहीं लगती मेरी वीडियो इसलिए कोई भी लाइक नहीं करते हो, कमेंट्स नहीं देते हो, देखते तो बहुत लोग हो पर अच्छी लगती है तो भी दे दिया करो, ख़राब है तो भी दे दिया करो, तो एक ताकि मुझे पता तो चले कि मेरी वीडियो कैसी है। ओके सी यू नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर।